हिंदी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 1 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा श्रम और कल्याण विभाग की जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उसमें मैं केवल कल्याण विभाग पर ही अपना अधिक ध्यान दूंगा, खासकर उस आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जहां पर काफी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, अब तक आदिवासी योजना में लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यदि उस खर्च के अनुसार देखा जाए तो उसका कोई संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। यह सही है कि जो योजनाएं जिन समाज के लोगों के विकास के लिए बनाई गई है उस योजना को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए उनमें शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं लाभदायक होंगी इसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया, और जो योजनाएं बनी थी उन योजनाओं के बीच में भी बिचौलियों ने ही रुकावट डाली, और इन योजनाओं में जिस ढंग से लाभ मिलना चाहिए था उस ढंग से इसमें लाभ नहीं मिल पाया। पैरा, आज सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा को हम अधिक से अधिक कारगर सिद्ध करें, और यदि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा तभी ये योजनाएं या स्कीमें आगे बढ़ेंगी और लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। नहीं तो ये योजनाएं सिर्फ कागज में ही दर्ज होंगी और इसका लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा। इसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन वह क्षेत्र वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा कि आज है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। पैरा, आज शिक्षा की तरफ इस आंगनबाड़ी को शुरू कर दिया है। यदि इस आंगनबाड़ी पर सही ढंग से अभी से निगरानी रखी जाए तो बाल्यावस्था के बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी उनकी शिक्षा की तरफ, उनके स्वास्थ्य की तरफ और उनके वर्तमान दृष्टिकोण से जो वातावरण तैयार किया जा रहा है इसको यदि अच्छे रूप से तैयार किया गया तो यह योजनाएं लोकप्रिय कहलाएंगी। लेकिन आज इन योजनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन में जो योजनाएं चल भी रही है उससे जो संबंधित अधिकारी और अन्य लोग हैं वे भी इन योजनाओं को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं। स्टॉप।